किचन क्लास 9 में आपका स्वागत है। आज हम पत्ता गोभी के पराठे बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, ये बहुत ही स्वादिष्ट ये पराठे हैं। अगर जो भी पत्ता गोभी नहीं खाते हैं, इस तरह से बनाने से वो भी खाने लगते हैं फ्रेंड्स, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा ये पराठा। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पत्ता गोभी ले लेनी है, उसको अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करके इस तरह से हमें बारीक उसे काट लेना है। और ये हम थोड़ा सा लहसुन इस तरह से बारीक काट लेंगे और ये हरी मिर्च हम काट लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने 2 चम्मच तेल को डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच राई दाना डालेंगे, आप इसकी जगह जीरा भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ राई दाने डाल रहे हैं, अब इसे हम कवर कर देंगे, नहीं तो ये चिटकता बहुत है। ये राई दाने हमारे चिटक चुके हैं। अब इसमें हम ये कटी हुई मिर्च और लहसुन को डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। मिर्च अच्छे से हो चुका है, अब ये पत्ता गोभी को हम डाल देंगे इसमें। पत्ता गोभी को हमने डाल लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करके और इसे 5 मिनट के लिए हम कवर करेंगे, जब तक ये थोड़ा नरम ना हो जाए। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, ये फिलिंग हमारी अच्छे से पक जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अपना चेक करते हैं। अब इसी में हम ये धनिया डाल देंगे। अब धनिया डाल के भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जब तक ये धनिया पूरी तरह से गल ना जाए तब तक थोड़ी हमें इसे और पका लेना है। अब धनिया को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब 2 मिनट के लिए हम और कवर करेंगे ताकि अच्छे से सभी चीज़ें हमारी गल जाएं। हमारे हो चुके हैं, चलिए अपना देखते हैं। हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है ये भरने के लिए पराठे में। तो ये हमने मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकाया है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और हम अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए, हमने ये आटा गूंथ लिया है पराठे के लिए। हमें जैसे चपाती का हम आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये आटा बिल्कुल ऐसे नरम आटा लगाना है। ये आटा बिल्कुल भी कड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटे से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो हमें इतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ लेंगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से चकला बना लिया है। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग को भरेंगे। तो हल्का सा आटा लगाएंगे इसमें, इसको हल्का सा बेल लेंगे इतना बड़ा। अब इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग भर देंगे जो हमने पत्ता गोभी से स्टफिंग तैयार की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने पत्ता गोभी की फिलिंग तैयार की है स्टफिंग, इसको हम इस तरह से भर देंगे। इस तरह चारों तरफ से मोड़ते हुए ऐसे इसको बंद कर देंगे, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे भी ये भी पराठा बनेगा। तो ये देखिए, और हमें हल्के हाथों से ही बेलना है, नहीं तो ये फट भी सकता है। अब हम थोड़ा सा इसमें आटा लगाएंगे, इसे हमें बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलना है, नहीं तो ये फट भी जाता है। इसलिए इसका हमें पूरा ध्यान रखना है कि इसे हमें बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलना है ताकि ये फटे ना। जैसे चारों तरफ से घुमाते हुए इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। हमने तवा पहले से रख दिया था, तवा हमारा बिल्कुल गर्म है, हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया था, हाई फ्लेम पर है। अब हम इसको इस पर डाल देंगे। ये पराठा हमारा एक साइड हो चुका है, अब हम इसको पलट देंगे। अब आप इस पर चाहे घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने घी और तेल दोनों को एक संग मिक्स कर लिया है और घी को पिघला के इसमें डाल लिया है। तो हम इसे अच्छे से लगा देंगे। ये हमारा एक साइड तेल लग चुका है, अब हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड। देखिए, दूसरी साइड भी हमारा तेल लगाने लायक हो गया है। अब लगा करके दोनों तरफ तेल
हम अच्छे से इसे जब तक इस पर चिट्टी ना पड़ जाए तब तक हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये हमने दोनों साइड तेल लगा लिया है, ये देखिए। अब दोनों साइड तेल लगा के ऐसे हम इसको अच्छे से सेक लेंगे बढ़िया सा। तो इसी तो अच्छे से इस तरह से सारे पराठे हम सेक लेंगे अपने। अब ये दोनों साइड से बिल्कुल हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में। तो ये देखिए अब हम इसे एक थाली में, तो हमने एक थाली में इसे निकाल लिया। इसी तरीके से हम सारे पराठा सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पत्ता गोभी के टेस्टी पराठे बनकर रेडी है। इसे आप टिफिन बॉक्स में भी बना सकते हैं। इसे आप अपनी मनपसंद सब्जी, अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए गर्मा गर्म। ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। ये देखिए झटपट के तैयार भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।